अगर इंडियन फुटबॉल का बात करें तो पहले जो दो शहर का नाम मन में आता है वो है कलकत्ता और गोवा। ईस्ट बंगाल मोहनबागान मोहम्मदन से लेकर डेम्पो सालगांवकर इंडियन फुटबॉल में डोमिनेट किया है ये सब क्लब, और इंटरनेशनल फुटबॉल ऑर्गेनाइजिंग में भी ये दो शहर सबसे आगे रहा। लेकिन इंडियन फुटबॉल का ये जो न्यूक्लियस है ये क्या शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि भुवनेश्वर में आज से शुरू हुआ इंटर कॉन्टिनेंटल कप जिसमें इंडिया के अलावा है लेबनान, मंगोलिया और वनुआतू। फुटबॉल को लेकर भुवनेश्वर का क्या एक्साइटमेंट है आपको दिखाएंगे सीधा भुवनेश्वर से। इधर कलिंग स्टेडियम के बाहर हमें मिल गया है कई सारे फुटबॉल फैंस। भुवनेश्वर में इस साल पहले एक इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, कितना एक्साइटेड हो आप? जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये एक पहला चांस है हमारे लिए एक्सपीरियंस करने का फुटबॉल उड़ीसा में। एज़ वी नो लाइक उड़ीसा में बहुत फुटबॉल ग्रो हो रहा है, अभी हाल ही में 3 नए एकेडमी खुले हैं। मैं खुद एक फुटबॉल फ़ैन हूँ एंड मैं खुद भी खेलता हूँ, एज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेलता हूँ, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसके लिए। इंटर कॉन्टिनेंटल कप का ये 3rd एडिशन है, पहले एडिशन इंडिया जीते थे, उसके बाद नॉर्थ कोरिया, तो इस साल क्या होगा? इस साल तो लग रहा है इंडिया जीतेगा। आप तो देख रहे हैं कि AFC कप में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था इंडिया ने, तो हमें पूरा विश्वास है छेत्री और उनके टीम पर। सुनील छेत्री जैसे फॉर्म में हैं, उसका एज 38 है लेकिन ही इज़ डिफाइंग एज, तो क्या उम्मीद रखते हो आप इंडियन स्टार सुनील छेत्री से? सर वो तो किंग है, वो हमेशा से जीतेंगे, वो हमारे सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, तो चाहे उनका एज 38 हो या 40 या कुछ भी, लेकिन वो हमेशा से हमारे लिए एक इंस्पिरेशन रहेंगे, सो ही इज़ अ किंग।